वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉम ब्लॉग्स 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, मैं मऊ ज़िले का सबसे मशहूर मंदिर माँ माता के दरबार में हम यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और आप यहाँ का शाम का वक्त हो चुका है और आप पीछे का मंजर देख रहे हैं, कितना सुहाना तालाब में फब्बारा निकल रहा है, झरना की तरफ निकल रहा है दोस्तों। और ये मऊ की खासियत, मऊ की ये खासियत दर्शाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श जी। मैं आदर्श जी से पूछना चाहूँगा, आदर्श जी थोड़ा सा आप बताइए कि मऊ में ये जो थोड़ा मंदिर है ये कितना फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, थोड़ा आप बताइए। ये मऊ का बहुत पुराना मंदिर है जी, और बहुत जाने माने मतलब मंदिरों में, मंदिरों में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मतलब पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ करने की वजह भी मतलब बाद में यहाँ शादी विवाह हर एक कार्यक्रम होता है। हर महीने 10-15 शादी हो जाती है, मतलब डेली ना डेली कोई न कोई मतलब होती रहती है। हम ऐसे कहें कि यहाँ पे कुछ दिखावट का भी कार्यक्रम चलता है, इसके अलावा शादी विवाह का भी कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा हम ऐसे आपको बता दें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे और भी मंदिर है, ये माँ शीतला धाम का मंदिर है, और इसके अलावा आप बगल में देखेंगे तो माँ शेरावाली का भी मंदिर है, इसके अलावा पूजनीय शंकर भगवान जी का भी मंदिर है। इधर आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, मैं हमारे साथ कैमरामैन मौजूद हैं दक्ष राज चौहान, जो काफ़ी स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, ये काफ़ी दूर दूर तक खेलने भी गए हैं। और हमारे पीछे जो है अभी ये लाल कलर का जो दिख रहा है दोस्तों, ये मुझे लग रहा है कि विश्वकर्मा जी का भी मंदिर, छोटा सा इसमें मूर्ति है। और जस्ट लाइक आप देख पा रहे हैं शाम का वक्त है, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को भ्रमण भी करवाऊँ और माता जी का दर्शन भी करवाऊँ मैं दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ तो आप थोड़ा सा हेलमेट पकड़ लीजिए, और मैं दक्ष राज से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा माता जी का दरबार भी थोड़ा सा भ्रमण करवा दीजिए, क्योंकि हाँ देखिए ये जो थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है ना छोटा छोटा, यहाँ पे काफ़ी मेला टाइप का भी लगता है, और शाम के वक्त बच्चे जब आते हैं तो खिलौने भी मिलता है दोस्तों। लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, और फिर भी ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग हम ऐसे कहीं यहाँ पे आते हैं और वॉकिंग के लिए भी आते हैं, और इसके अलावा हम ऐसे कहें कि यहाँ पे काफ़ी मतलब दर्शन के लिए भी लोग आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप आइए और थोड़ा सा माता जी का भी दर्शन हमारे व्यूअर्स को करवा लीजिए। दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि भारत देश एक हिंदुत्व प्रधान देश है, और मैं इसी चीज़ को दिखा करके मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि माता जी का दरबार कैसा। आइए एक बार माता जी का दरबार हमारे व्यूअर्स को मैं दिखा दूँ। एक चीज़ कहते हैं ना कि माता जी के दरबार में आना और उनसे आशीर्वाद लेना दोस्तों बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों आप मऊ में हैं तो बिल्कुल माता जी के दरबार में आइए और माता जी का दर्शन भी करें। इधर से आइए थोड़ा सा दरबार में देखें माता जी का। आप सभी लोग माता जी का दर्शन कर लें, और चलिए थोड़ा सा और हम लोग हमारा भ्रमण करवा देते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा मंदिर है। आइए जल्दी आते जाइए, और मैं चाहूँगा कि इधर ही देखिए, दुर्गा जी का मंदिर है, और इसके अलावा इधर शंकर भगवान का मंदिर है। मैं चाहूँगा कि आप आ जाइए थोड़ा सा शंकर जी का मंदिर, हम लोग थोड़ा सा घूम लें, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ का, बहुत अच्छा भी लगता है दोस्तों, ताकि आप लोग आए यहाँ का लाभ लें, यहाँ माता जी के दरबार में आए। चलिए आते जाइए, आते रहिए। काफ़ी अच्छा मंदिर लग रहा है दोस्तों शाम के वक्त। आप बिल्कुल आप मऊ में हैं या कहीं भी हैं तो बिल्कुल आप घूमने के लिए जरूर आइए। आते जाइए। बाबा जी देखिए, पंडित जी हैं हमारे आज एक थोड़ा सा, ये यहाँ के पुजारी हैं। बाबा जी से मैं पूछना चाहूँगा, बाबा जी आप बताइए अभी ये जो इतना सुंदरीकरण हुआ है कब से स्टार्ट हुआ है ये सब? अभी फोन कर दे बाबा जी से। बाबा जी से मैं पूछना चाहूँगा, बताइए बाबा जी। आ जाइए, आते रहिए, और बाबा जी थोड़ा सा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को, ये हम लोग यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि हम लोग मऊ के लोगों को दिखाएं
कि यह माँ शीतला धाम का मंदिर कितना अच्छा है, और बाबा जी से पूछना चाहूँगा, बाबा जी आप बताइए इसके बारे में। माता शीतला का मंदिर जो है जी, ये जो है कई सौ वर्ष जी जी प्राचीन कहा जाता है जी जी, प्राचीन शीतला माता धाम जी जी है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि में जी जी नवरात्रि में यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, हम कोलकाता कहाँ कहाँ से आदि यहाँ दर्शन करने के आते हैं, सबकी मुलाकातें पूरी होती है यहाँ पर। आज जब शुद्धिकरण देख रहे हैं, ये देखिए हमारे शीतला माता धाम देवता समिति जो है जी जी जी, इन लोग का ये देर है कि ये मंदिर जो है निर्माता चलता चला जा रहा है जी जी। अब इसका जो भव्य रूप आप सामने देख सकते हैं लगा हुआ पोस्टर में जी जी, वहाँ सामने लगा हुआ है जी जी, ताकि आप आगे चले दीजिएगा जी जी। आने वाले समय में जो है मंदिर ऐसा ही बनेगा। ये तो श्रद्धालुओं की देन है कि मंदिर का निर्माण निरंतर चलता ही रह रहा है। बाबा जी थोड़ा सा आपसे मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ किन किन देवताओं की मूर्तियाँ हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। सामने हमारे जो मेन मुख्य मंदिर है माता शीतला का जी जी, जहाँ से आप अभी दर्शन करके आ जी 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 जी। दाएं साइड में जो है हमारी माता दुर्गा जी हैं जी जी, भी प्राचीन है जी, भगवान भोलेनाथ है जी, फिर भोलेनाथ है जी, माता पार्वती है जी, जिनको सती जी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गणेश जी भगवान बगल में है जी जी, कार्तिकेय जी हैं जी, उधर हनुमान जी है, अंजनी माता है, विश्वकर्मा जी है, दुर्गा माता है, भोलेनाथ उधर जी, और आगे उधर जाएंगे तो हमारे जो है नागा बाबा का समाज है जी जी। तो जो है कि मंदिर में लगभग सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, कोई भी श्रद्धालु है सबका दर्शन एक ही जगह से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप हमारे व्यूअर को इतनी बड़ी जानकारी दी। और मैं चाहूँगा दोस्तों, जितने लोग जितने मऊ के लोग या कहीं और के भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार माँ शीतला धाम के मंदिर आप जरूर जाइए दोस्तों। यह स्थान मऊ में पड़ता है दोस्तों, और काफ़ी फेमस भी है और प्रचलित भी है, जैसा कि बाबा जी बताए भी हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों। और बिल्कुल आप आइए, हमारा भारत देश क्या है, हिंदुत्व प्रधान देश है दोस्तों, आप इसको बरकरार रखने के लिए बिल्कुल माँ शीतला धाम के मंदिर पे आइए, और माँ शीतला धाम से माता शीतला जिसे जो भी आप मांगेंगे, खुल के मुराद मांगेंगे, बिल्कुल पूरी होगी, पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी कड़ी के साथ मैं चाहूँगा कि जितने लोग इस व्यूअर को देख रहे हैं, और फिर इसे एक बार पंडित जी का तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, और जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार माता पार्वती जी का भी दर्शन कर लें, ताकि लास्ट में ये हमारे वीडियो क्लिक होने वाले हैं ना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ जाइए थोड़ा सा, बाबा जी आइए, बाबा जी आइए, बाबा जी आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और एक बार मैं चाहूँगा दक्षराज चौहान जी से कि इधर थोड़ा सा शंकर भगवान जी का भी दर्शन करवा लें, जितने व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, सब लोग देखें कि मऊ ज़िले में इतनी बढ़िया इतना अच्छा स्थल है, यहाँ समाधि मतलब हम ऐसे कहीं यहाँ मूर्ति भी हैं, अच्छी 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 जगह भी हैं मऊ ज़िले में। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लाइक करेंगे, दूसरी बात सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और जितने लोग नए हैं ना बिल्कुल इस चैनल को और भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, धन्यवाद।